हेलो फ्रेंड्स, अगले वाली डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है लाइन ऑफ रिग्रेशन। स्टार्ट करने से पहले एक बात क्लियर कट बता दूं, इस चैनल के ऊपर कोई भी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। अगर आपको सस्ती और बेस्ट चीज़ चाहिए तो मेरी जेड अकेडमी एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर के ऊपर पड़ी हुई है वहाँ जाइए, वहाँ से ले लीजिए, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं है। लाइन ऑफ रिग्रेशन डेफिनेशन देने जा रहा हूँ। द डिवाइस यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल फ्रॉम द वैल्यू ऑफ अदर्स वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल लिख लो आप, यहाँ तक समझने की कोशिश करना। यानी एक ऐसी डिवाइस, एक ऐसी चीज़ या एक ऐसी इक्वेशन, कुछ भी मान सकते हो, या एक ऐसी लाइन। डिवाइस का मतलब पर्टिकुलरली किसी भी मैथमेटिकल चीज़ से होता है। ओके, एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल फ्रॉम द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल। अगर एक मेरे पास दो वेरिएबल हैं, सपोज दैट मेरे पास कितने वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल्स हैं, मैं एक वेरिएबल की वैल्यू को एस्टिमेट कर रहा हूँ, यानी उस वैल्यू का मूल्यांकन कर, एक वेरिएबल की जो वैल्यू है उसका मूल्यांकन कर रहा हूँ, और वह मूल्यांकन जो कर रहा हूँ, जो दूसरा वेरिएबल दिया हुआ है उसकी वैल्यू के वैल्यूज़ के बेस पर मैं पहले वाले वेरिएबल की वैल्यू का जो मूल्यांकन कर रहा हूँ। ओके, अगर ये मूल्यांकन करने के बाद इसको जो है मैं इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर दूँ और इन दोनों के बीच में मैं कोई लाइन ड्रॉ कर दूँ, तो इस तरह की जो लाइन होती है इसको बोलता हूँ मैं लाइन ऑफ रिग्रेशन। यही थ्योरी मैं देने वाला हूँ, फिर समझने की कोशिश करना। मान लिया जाए मेरे पास दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल की वैल्यू को एस्टिमेट कर रहा हूँ, यानी एक वेरिएबल की वैल्यू का मूल्यांकन कर रहा हूँ, देख रहा हूँ उसकी वैल्यूज़ कैसे कैसे आती हैं विद रिस्पेक्ट टू द अदर गिवन वेरिएबल, जो दूसरा वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में। ओके, अगर मैं इनके जो ये जो दो वेरिएबल्स हैं इनके रिलेशनशिप को मैं किसी स्ट्रेट लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट कर दूं, या इनके बीच में जो एवरेज है, सपोज दैट पहले वेरिएबल्स के का जो डेटा है उसके अंदर कुछ एवरेज है और दूसरे वेरिएबल का जो डेटा है उसका भी कुछ एवरेज है, दोनों के एवरेज का जो रिलेशनशिप है अगर मैं उसको किसी लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँ या किसी इक्वेशन को थ्रू रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँ, तो उसको मैं बोलता हूँ लाइन ऑफ रिग्रेशन। यही थ्योरी मैं इसके अंदर लिखने वाला भी हूँ। ओके, मैं कहना चाह रहा हूँ एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल फ्रॉम द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल। ओके, कंटेन्स ए लाइन क्या रखती हो भाई, एक लाइन रखती हो थ्रू द पॉइंट्स drawn in such a manner as to represent the average relationship
बिटवीन टू वेरिएबल्स then the line is called line of regression. चला समझने की कोशिश करना, फिर मैं दोबारा वही बता रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल फ्रॉम द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल, अगर एक वेरिएबल की वैल्यू को एस्टिमेट किया जाए, उसको देखा जाए किस तरह की उसकी जो रिजल्ट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू द अदर वेरिएबल, दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। ओके, आगे कहना चाह रहा है कंटेन ए लाइन थ्रू द पॉइंट इन सच ए मैनर रिप्रेजेंट द एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन दैम। ओके, और ये जो है ना, एक वेरिएबल की वैल्यू को एस्टिमेट कर रहा हूँ, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू के रिस्पेक्ट में एस्टिमेट कर रहा हूँ, और ये दोनों के दोनों वेरिएबल्स जो है किसी क्या कहें किसी लाइन के थ्रू जो है ना रिप्रेजेंट कर दिए जाएं, और ये लाइन इनका एवरेज रिलेशनशिप शो करती हो। ओके, ये जो लाइन है क्या शो करती हो, एवरेज रिलेशनशिप शो करती हो दोनों वेरिएबल्स का, देन दिस लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ रिग्रेशन। आई एम रिपीटिंग अगेन, मान लिया जाए मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल की वैल्यू के बेस पर दूसरे वैल्यू की वेरिएबल को मैं एस्टिमेट कर रहा हूँ, और इस तरीके से एस्टिमेट कर रहा हूँ कि भाई इनसे जो है ना जो इनसे जो है ना ये दोनों के दोनों जो है ना एक लाइन रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो लाइन है ये दोनों वेरिएबल्स का एवरेज रिलेशनशिप को शो करती है। ओके, अगर ये एवरेज रिलेशनशिप को शो करती है दोनों के दोनों वेरिएबल्स के, देन दिस लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ रिग्रेशन। ओके, सपोज दैट मान लिया जाए वाई इज इक्वल टू मेरे पास जो है वाई इज इक्वल टू ए प्लस के बी एक्स है। सपोज दैट अगर इस वेरिएबल की मैं अलग अलग वैल्यूज डाल दूं, तो जाहिर सी बात है वेरिएबल वाई की अलग अलग वैल्यूज निकल जाएंगी। ओके, और अगर मैं इसको एक्स एक्स और वाई एक्स के ऊपर इसको प्लॉट करने की कोशिश करूं, तो जाहिर सी बात है इसका कोई ना कोई जो है ना ग्राफ प्लॉट होगा, आप भी जानते हो। ओके, ये जो वेरिएबल वाई है, ये जो वेरिएबल y है और ये जो वेरिएबल x है, इन दोनों के बीच में एवरेज रिलेशनशिप क्या है, वो अगर इस लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया जाए, देन दिस लाइन इज नोन एज क्या, लाइन ऑफ रिग्रेशन। समझ आती है मेरी बात, आगे की तरफ चलता हूँ। अगले वाला टॉपिक है मेरे पास रिग्रेशन इक्वेशन। बेसिक सी डेफिनेशन से भाई इनको इससे ज़्यादा मैं भी नहीं बता सकता हूँ यार, थ्योरी के अंदर क्या बताऊं यार आपको। रिग्रेशन इक्वेशन, द वेरिएबल्स या टू वेरिएबल मान लो आप, द टू वेरिएबल्स एक्स कोमा वाई x एंड y विच आर रिलेटेड कैन बी एक्सप्रेस in terms of each other अगर मान लिया जाए मेरे पास दो वेरिएबल हैं और उनके बीच में कोई भी रिलेशन हो और उस रिलेशन को जो है जो एक्सप्रेस किया जाए एक दूसरे के बीच से एक्सप्रेस कर दिया जाए देन दिस इज नोन एज रिग्रेशन इक्वेशन। वही लिख रहा हूँ मैं, द टू वेरिएबल एक्स एंड वाई विच आर रिलेटेड जिनके बीच में कोई ना कोई कनेक्शन है कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ each other in the form of straight line
then the equation is called regression equation. Then the equation is called regression equation. ओके, आई एम रिपीटिंग माई वर्ड. मान लिया जाए मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं और दोनों के बीच में जो है कोई रिलेशन है. अगर एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में लिखा जाए और स्ट्रेट लाइन के रूप में लिख दिया जाए, देन दिस इज़ नोन एज रिग्रेशन इक्वेशन. जैसे अगर मैं बोलता हूँ y इज इक्वल टू ए प्लस के बी एक्स, दिस इज ए रिग्रेशन इक्वेशन. या x इज इक्वल टू बी प्लस के ए वाई, दिस इज ऑल्सो ए रिग्रेशन इक्वेशन. क्यों? मैं y, देयर इज ए रिलेशन बिटवीन x एंड y. ओके, y को x के टर्म्स में लिख रहा हूँ या x को y के टर्म्स में लिख रहा हूँ. ओके, इस तरह के जो हमारे पास जो इक्वेशंस होती है, इस तरह के जो रिलेशंस होते हैं, उनको क्या बोलता हूँ मैं? रिग्रेशन इक्वेशन के नाम से जानता हूँ. ओके.